ये कहानी है अमेरिका की महान अभिनेत्री ग्रेटा गार्बा की। उनका जन्म यूरोप के एक गरीब देश में एक गरीब परिवार में हुआ था। 19 वर्ष की आयु तक वो एक सलून में काम करती थी और उनका काम था जो कस्टमर था उसकी दाढ़ी पर सेविंग फॉर्म लगाने का। वो सेविंग फॉर्म लगा रही थी कि उनके शॉप में एक अमेरिकन यात्री का आना हुआ। उसने ग्रेटा गार्बा को देखा, बोला अद्भुत, अति सुंदर। ग्रेटा गार्बा ने आश्चर्य से देखा कि मैं 19 साल की हो गई, 6 साल से सैलून में काम कर रही हूँ, कभी मेरे लिए किसी ने यह शब्द नहीं कहे, मैं और सुंदर। उस अमेरिकन यात्री का, नो, आप अत्यंत सुंदर हो, मैंने जीवन में आपके जैसे खूबसूरत चेहरे बहुत कम देखे हैं। और ग्रेटा गार्बा अपनी आत्मकथा में लिखती है, उस दिन के बाद वो जो दो शब्द थे उसके बाद उनके कारण मेरा पूरा जीवन बदल गया, मैं सचमुच खूबसूरत हो गई। और उसके बाद ग्रेटा गार्बा को हॉलीवुड की फिल्मों में काम मिला और एक सफल अभिनेत्री हुई। तो दोस्तों, वो जो दो शब्द थे उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हम यदि आपको जीवन में लोगों के साथ काम करना हो तो क्या है वो भूल जाइए, वो देखिए कि वो क्या हो सकते हैं। आदमी तो बुरा हो सकता है, बेईमान होगा, होती है ऐसे चांस, मगर वो क्या हो सकता है उस पर ध्यान दोगे तो आप जीवन में कभी निष्फल नहीं होगे। हेनरी फोर्ड ने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा था कि व्यक्ति के साथ काम करना सोने की खान में से सोना निकालने जैसा होता है। एक ट्रक मिट्टी निकालते हो आप, तब जाके 1 ग्राम सोना मिलता है। यानी आदमी है, आदमी नदी जैसा है, कहीं बहुत ही गहरा होगा, कहीं बहुत ही छिछला होगा, उसमें कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो क्या हो सकता है। इसलिए जीवन में हो सके उतना लोगों की प्रशंसा कीजिए, लोगों में जो अच्छाई देखिए उसको मोटिवेट कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, आपका जीवन भी बदल जाएगा और दूसरों का भी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे।